हैदराबाद से एक चौंकाने वाली तस्वीर आई है, वो आपको दिखाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी की उम्मीदवार हैं माधवी लता। आज वो एक बूथ पर पहुंची, शुरुआत में हिंदू महिलाओं को उन्होंने ठीक से समझाया एक कैंडिडेट होने के बावजूद कि कहां वोट करना है, कैसे करना है, और मुस्लिम महिलाओं के बुरके हटवाकर खुद पहचान करने लगी और सवाल उठाने लगी। तो दोस्तों, हैदराबाद में आज चुनाव हो रहा है और आज का एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है जो माधवी लता है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये वीडियो शो होता होगा, देख सकते हैं किस तरह से एक बूथ पे जाती है माधवी लता और किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम महिला, जितना भी मुस्लिम महिला थी लाइन से बैठी हुई, आपके स्क्रीन पे ये शो होता होगा, सबों का आईडी चेक किया या बल्कि नकाब हटा हटा करके चेक किया। एक बार आईडी देखा, उसमें भी यकीन नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर से आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड दिखाओ, फिर उसका चेहरा खोला, चेहरा दिखाओ। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से उनके साथ व्यवहार किए, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से उसका चेहरा बार बार हटा करके और यहाँ पर उसको दिखाया जा रहा है, उनकी पहचान कर रहे हैं खुद से, माधवी लता खुद से। यहाँ पर आप देखिए, ये वीडियो चला रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है खूब। हैदराबाद से एक चौंकाने वाली तस्वीर आई है, वो आपको दिखाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी की उम्मीदवार है माधवी लता। आज वो एक बूथ पर पहुंची, शुरुआत में हिंदू महिलाओं को उन्होंने ठीक से समझाया एक कैंडिडेट होने के बावजूद कि कहां वोट करना है, कैसे करना है, और मुस्लिम महिलाओं के बुरके हटवाकर खुद पहचान करने लगी और सवाल उठाने लगी। चुनाव आचार संहिता के मुताबिक दरअसल कोई भी प्रत्याशी किसी पक्ष से अपने पक्ष में वोट डालने के लिए नहीं कह सकता आज, जब वो खुद कैंडिडेट हो। लेकिन तस्वीर में ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहचान कर रही है एक तरफ माधवी लता मुस्लिम महिलाओं से, उनके वोटर आई कार्ड लेकर देखिए कैसे पहचान करती नजर आ रही है, दूसरी तरफ समझाती नजर आ रही है। अब ये विवाद का विषय हो गया है, ये तस्वीर में दिख रहा है माधवी लता हिंदू महिलाओं से कैसे वोट करें, किसे वोट करें वो बताती नजर आती हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आईडी लेकर के मुस्लिम महिलाओं की पहचान करती नजर आ रही है। भाई साहब, नहीं हुआ, नहीं हुआ, इस पे बहस करेंगे या मैं कंप्लेंट लॉन्च करूं, सर चारा ही नहीं इसके ऊपर। सी ऑब्जेक्टिव, कम यहां, दिस इज द एपिक नंबर, टाइप दिस पीछे इतनी बड़ी बट एपिक नंबर, टाइप दिस एपिक नंबर। हमें का नाम है तो मेरा भी का नहीं है, ये तो 38 है, आप 38 में कहां है उठाइए। यहाँ पर देखिए, आप गौर करिए इस वीडियो पे, यहाँ पर देखिए, आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका, ये पहले बनाई से कितने साल पहले बना हुआ है, ये 38 इंटी, हमें तो 44 इंटी वायस हो मैडम, ఇది తీసుకొని ఇంటి ఫైన్ కూడా దీని ఫోటో తీసుకోండి, ఇది కనుక్కోవాలి, చెప్పేసి ఎక్కడి నుంచి कदा गवर्नमेंट नीचे जाओ उनके नीने का मगुदी को ज्यादा ही होशियार कर रहे हैं। 500 मीटर के दूर पे बिना कोई सिंबल के हमारे एजेंट्स बैठकर छोटा सा स्लिप्स दे रहे थे 500 मीटर पोलिंग बूथ से दूर, होना बोल के ज्यादती करके लेके आए है। यहाँ का पुलुम का पुलिस का जुलुम है हमारे ऊपर। आपने मुसलमान औरतों का बुर्का उठाया, वीडियो वायरल हो रहा है। भैया मैं कैंडिडेट हूँ और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विथ द फेस विदाउट द फेस मास्क। आई एम नॉट अ मेल, आई एम अ फीमेल एंड विद लॉट ऑफ हम्बलनेस आई ओनली रिक्वेस्टेड देम, can I please see and verify with the ID card? And if somebody wants to make a big issue out of it, that means that he's scared of it. KJ Shrestan का मैं रुक कर रही हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैदराबाद से इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। KJ, लेकिन बोगस वोटों का तो चलिए आरोप माधवी लता लगाती रही हैं कि इसी माध्यम से ओवैसी जीतते हैं, वो उनका डर हो सकता है, लेकिन क्या ये तरीका अलाउड है कि प्रत्याशी जाए और वो खुद देख रहा है, वोटर आईडी मिलान कर रहा है, आधार का
फिर चेक कर रहा है, ये कैसे परमिशन क्या दी जा सकती है? दोस्तों देखा आपने किस तरह से माधवी लता ने अपने से जा करके वहां पर मुस्लिम महिलाओं का नकाब हटा करके उसकी आईडी लेकर के और मिलान कर रहे थे, क्या ये डुप्लीकेट और तो नहीं है, दूसरे के नाम पर देने तो नहीं आई है, इस तरह से चेक किए खुद एक कैंडिडेट होकर के, और कहते थे सबका साथ सबका विकास, हम मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं, हम भेदभाव नहीं रखते, लेकिन देख सकते किस तरह से आज ये पता चला कि भेदभाव किस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पर अभी देख सकते किस तरह से बुरका उठा उठा करके देख रहे थे। तो इस पर आपका क्या विचार है दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे। देख आप लोग के ख्याल से क्या है, इस वीडियो को किस नज़र से लेते हैं आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे, और इसकी हरकत जो है कि किस तरह का हरकत था आज, जो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताएंगे, और आप लोग क्या चाहते हैं हैदराबाद में कौन आने वाला है आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे।